और दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। ये खबर आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें, सीधे आपको लिए चलते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर वो जवाब दे रही है बीजेपी ने जो आरोप लगाया है मानसरोवर यात्रा को लेकर राहुल गांधी के। खरीदते हैं उसकी ट्रायल्स होती है, जो आप उसमें हथियार लगाते हैं, मिसाइल्स लगाते हैं, रडार लगाते हैं, एवियोनिक्स लगाते हैं, वो सारे स्पेसिफिकेशन टेंडर में होते हैं कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी सबकी ट्रायल होती है, टेस्ट किया जाता है। जब वो पूरे पुख्ता ठीक पाए जाएं, उसके बाद नेगोशिएशन शुरू होती हैं दो तरह से। एक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएटिंग कमेटी बनती है, उसका भी ब्यौरा डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में है। दूसरा प्राइस नेगोशिएटिंग कमेटी होती है, PNC एंड CNC, इसको आप ज़रा नोट कर लें। अब प्राइस नेगोशिएटिंग कमेटी ने जो तय किया उस समय 530 करोड़ से कम, 523 करोड़ रुपए का एक रफेल जेट फाइटर 523 करोड़। और ये आनंद शर्मा कांग्रेस के नेता जवाब दे रहे थे और सवाल पूछ रहे थे बीजेपी पर, लगातार रफेल को लेकर आक्रामक है कांग्रेस और सवाल जवाब का दौर इस बीच जारी है। अगली खबर, दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। जहां डीजल की कीमतों में 28 पैसे की बढ़ोतरी है, वहीं पेट्रोल 22 पैसे महंगा हुआ है। इतना ही नहीं, डॉलर के मुकाबले रुपए ने फिर गोता लगाया है। एक डॉलर के बदले रुपया 70.96 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला से भी इस बारे में बातचीत की, लेकिन लगातार जिस तरह से रुपया नीचे गिरता जा रहा है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।